रमजान ईदनिमित्त पानगल हायस्कूल येथील शाही आलमगीर ईदगाह मैदानावर सामूहिक नमाज पठण करण्यात आलं. शनिवारी मुस्लिम बांधवांनी रमजान ईद मोठ्या उत्साहात साजरी केली. या निमित्ताने पानगल हायस्कूल येथील शाही आलमगीर ईदगाह मैदानात सामूहिक नमाज पठण करण्यात आलं. यावेळी मुस्लिम बांधव अल्लाहच्या चरणी नतमस्तक झाले. दरम्यान यावेळी ईदचा संदेश देताना हैदराबादचे सय्यद अहमद गौरी नक्षबंदी म्हणाले की यश प्राप्त करायचं असल्यास मेहनतीशिवाय पर्याय नाही. सोशल मीडियाचा गैरवापर वाढला असून आपल्या मुलांकडे लक्ष द्या. हिंदू मुस्लिम एकता अबाधित ठेवून राष्ट्रीय एकात्मता कायम ठेवावी असं आवाहन त्यांनी केलं. और मैं ईद के इस मौके पर इस तारीखी शोलापूर की ईदगाह से तमाम चैनल्स के नाज़रीन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अगर इस दुनिया में तरक्की करना चाहते हैं तो तरक्की का एक ही रास्ता है, वो है मेहनत करिए और इल्म हासिल कीजिए और तरक्की कीजिए. अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपने ख़ानदान का नाम रोशन कीजिए, अपने मुल्क को तरक्की पहुँचाइए और आप जहाँ कहीं रहते हों मोहब्बतों को आम करिए. अपने आजू बाजू रहने वालों में, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब ये एक हिंदुस्तान एक तारीख रखता है कि एक ही मुल्क में इतने कसीर मज़हब के लोग यहाँ पर रहते हैं और सब भाईचारगी मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ रहते हैं. हमें इसी एकता को कायम रखना है. दरम्यान यावेळी सामूहिक नमाज अदा केल्यानंतर एकमेकांना ईदच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या. लहान मुलांच्या चेहऱ्यावर वेगळाच आनंद दिसून येत होता. लहान मुलं आणि अबालवृद्धांनी यावेळी एकमेकांना ईद मुबारक म्हणत शुभेच्छा दिल्या.